नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी लग्जरी फ्लैट लेकर आया हूं, जो कि द्वारका सेक्टर 8 में है। और हर वीडियो के अंदर हमारे पास जो टॉप फ्लोर है वो सेल हुआ वाला फ्लैट मिलता है, लेकिन इसके अंदर टॉप फ्लोर अवेलेबल है विद रूफ राइट्स है। ऊपर पे अच्छा खासा आपको सिटिंग एरिया बना के दे रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, बहुत ही अच्छी डिटेल्ड वीडियो है ये दोस्तों। और बहुत ही लग्जरी फ्लैट्स हैं, इसके कमरे वगैरह भी बहुत बड़े बड़े हैं। 3 बेडरूम का फ्लैट है, DDS से अप्रूव्ड है, किसी अनऑर्थराइज्ड कॉलोनी में नहीं, या तो जैसे वीडियो आप देखते हैं द्वारका के सेक्टर के पास, ये सेक्टर के पास की नहीं, ये सेक्टर की प्रॉपर्टी है और 210 गज में बनी हुई DDS से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी पे है, और IGL दिल्ली जल बोर्ड का पानी, ये सब सुविधा आपको इसके अंदर मिलती है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ, डायरेक्शंस बता देता हूँ, कहाँ से मेन डोर है और कहाँ पे कैसा लेआउट है। तो दोस्तों, ये जो है हमारा ये मेन डोर है, ठीक इसके साथ ही हम इससे एंटर करते ही हमारा ये ड्राइंग एरिया आ जाता है। 2 कमरे आपके पीछे के साइड है, बैक साइड में है, वेंटिलेशन का इशू वहाँ भी नहीं होने वाली है आपको। ये हमारा मंदिर का स्पेस है, ये ठीक हमने झूला बना के आपको दे रहे हैं, और ये हमारा ड्राइंग रूम है। और इसके अंदर दोस्तों आपको जो फ्लोरिंग मिल रही है वो टाइल्स की नहीं, मार्बल फ्लोरिंग है, इटालियन फ्लोरिंग है दोस्तों। डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ डाइनिंग एरिया किधर है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, और जस्ट इसके साथ में हमारा ड्राइंग एरिया है, और काफ़ी स्पेशियस है। ठीक इसके साथ में आपको ये किचन बना के दे रहे हैं, एंटीक लुक में किचन है, और 1 बेडरूम ये है। और दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है टीवी पैनल के साथ, ये हमारा पाउडर रूम है, एक छोटा वॉशरूम है जो गेस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं वो है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, एक एक चीज़ डिटेल में आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है। आइए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा दोस्तों पहला बेडरूम है, और इसके साथ में आपको ये वुडन प्लस में मार्बल फ्लोरिंग दोनों साथ में मिलती है दोस्तों। साथ में आपको बेड लगा के आपको दे रहे हैं इसके अंदर। और दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। और दोस्तों, ये डी ब्लॉक में है, द्वारका सेक्टर 8 के डी ब्लॉक में है, और इसमें आपको IGL की सुविधा मिल जाती है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, लोन मिल जाता है दोस्तों। अब टीवी पैनल के बाद आपको मैं आपको इस रूम का वेंटिलेशन एरिया दिखा देता हूँ। ये हमारा वेंटिलेशन एरिया है, डोर के साथ साथ एक जाली वाला दरवाज़ा भी आपको लगा के दे रहे हैं ये, ताकि इसको आप बंद रखें, मच्छर वगैरह नहीं आए इसके अंदर। एक वार्डरोब भी आपको बना के दे रहे हैं, काफ़ी बड़ी वार्डरोब है, और रूम देख सकते हैं आप, पैनलिंग वगैरह सब कुछ आपको करवा के दे रहे हैं इसके अंदर। आप देखिए कितना प्यारा रूम है। और इसके बाद अभी मैं आपको वॉशरूम इसका दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों, मैं इसका वॉशरूम आपको दिखाता हूँ। और ये हमारा अपना ड्रेसिंग एरिया है, काफ़ी बड़ा आपको मिरर बना के दे रहे हैं, और ठीक इसके साथ में आप ये देखिए, ये पार्टीशन कराया हुआ है। अब ये वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डबल पार्टीशन है वॉशरूम में जाने के लिए, एक तो बाहर वाला पार्टीशन मिल गया आपको, एक दूसरा ये पार्टीशन है। यहाँ पे आपका बेदिंग एरिया एंड ये ड्राई एरिया दोनों ही मिल जाता है। और आप देखिए क्या खूबसूरत पैटर्न में वॉशरूम बनाया हुआ, जितनी भी फिटिंग्स लगी है इसके अंदर, जैगुआर की फिटिंग्स है दोस्तों। आइए अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। अब मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखा देता हूं दोस्तों, सेकंड बेडरूम की तरफ आ जाइए। ये देखिए, ये हमारा सेकंड बेडरूम है, बेड लगा के दे रहे हैं आपको, तीनों बेडरूम में आपको बेड बना के दे रहे हैं। ठीक है, बेड के साथ में आप ये देखिए क्या डिज़ाइन POP का बनवाया हुआ है, लाइट्स अच्छी लगा के दे रहे हैं आपको। और ठीक इसके साथ में यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे बना के दे रहे हैं पैटर्न टाइप का, यहाँ आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं। और ठीक इसके साथ में आपको ये अलमारी मिल जाती है दोस्तों, ये देखिए, ये इसके साथ में अलमारी है। ये जितनी भी अलमारियाँ बनी हुई है इसमें, ग्रीन प्लाई से बनी है, प्लस में टर्माइट का सारा इसमें काम हुआ है इसके अंदर, दीमक वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, वो सब सारा कुछ हम करके देते हैं आपको। और जो आप ये देख रहे हैं फ्लोरिंग, इसकी मार्बल फ्लोरिंग है, अभी पहले दिखाया आपको वुडन प्लस मार्बल दोनों फ्लोरिंग थी, अब इस वाले रूम में मार्बल फ्लोरिंग है। और इसके साथ में दोस्तों, ये टीवी पैनल आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत टीवी पैनल है, बढ़िया टीवी पैनल बना के दे रहे हैं। आप जितनी बड़ी से बड़ी इसके अंदर आप टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस रूम के साथ भी आपको दोस्तों
अटैच वॉशरूम मिलता है। आइए दोस्तों, इस वॉशरूम का पैटर्न मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। टाइल्स वगैरह ब्लैक थीम पे है, आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। और पार्टीशन इसके अंदर भी मिलता है आपको, आप देखिए ये ग्लास का पार्टीशन है, ड्राई एरिया और वेट एरिया का, तो पूरा ग्लास आप बंद कर सकते हैं इसको। आप देखिए फिटिंग्स आपको जगुआर की मिलने वाली है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, तो आइए दोस्तों, ये हमारा ये वॉशरूम था। और दोस्तों अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कई लोगों का मेरे पास कॉल आता है 30 लाख 35 लाख में आप मुझे प्रॉपर्टी दे दीजिए। दोस्तों इस बजट में मेरे पास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि ये अप्रूव प्रॉपर्टी हैं, कॉस्टली होती हैं, लैंड का जो कीमत है होता है ना वही बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो निराश मत होइए, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। द्वारका में तो नहीं मिलेगा, मेन सेक्टरों में, झूठ बोल के प्रॉपर्टी तो हम सेल करते नहीं हैं दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं, द्वारका सेक्टर 8 के साथ में राजनगर पार्ट 2, अच्छा एरिया पड़ता है, आप वहाँ देख सकते हैं। किसी ट्रस्टेड डीलर का नंबर मैं आपको दे दूंगा, या किसी ट्रस्टेड एजेंट का नंबर दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि मेरा बजट 30 लाख 35 लाख 40 लाख है, मुझे 2 BHK चाहिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, अब आपको मैं थर्ड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ, किचन आपको बाद में दिखाऊंगा दोस्तों। आइए, ये हमारा थर्ड बेडरूम है, वॉशरूम आपको इसके साथ भी मिलता है, प्लस में ये देखिए ये बेड है, और इसके पीछे पैनलिंग आप देखिए कितना खूबसूरत करा के दे रहे हैं। इसमें 2 फ्लोर अवेलेबल है, सेकंड और थर्ड फ्लोर इस प्रॉपर्टी के अंदर। और इसके साथ में दोस्तों व्यू इस वाले कमरे से बहुत अच्छा आता है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये व्यू, बिल्कुल पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है, और यहाँ से मेट्रो स्टेशन ना काफ़ी नज़दीक है। आप वो जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये ड्रेनेज बन रहा है, जो कि एयरपोर्ट से बारिश का पानी सीधा भारत वंदना पार्क की तरफ जाएगा, और यहाँ से मेट्रो स्टेशन काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है। तो आपने ये देख लिया, ये अब है इसकी अलमारी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त अलमारी आपको बना देते हैं, ग्रीन प्लाई से बनाई हुई अलमारी है, दीमक वगैरह की टेंशन आपको नहीं लेनी है। और ठीक इसके साथ में ये आपको टीवी पैनल भी बना के दे रहे हैं, छोटी छोटी सी डिटेलिंग के साथ आप देख सकते हैं, पीछे वॉलपेपर है, प्लस में लाइट लगी हुई है दोस्तों, ऊपर पंखे आपको हम लगा के दे रहे हैं, ब्रांडेड पंखे हैं, प्लस में फॉल सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा यूनिक है, ऐसा आपने देखा नहीं होगा अदर फ्लैट्स में। तो अब मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, आइए, ये इसका वॉशरूम है दोस्तों। ये वॉशरूम थोड़ा सा छोटा है उन दोनों वॉशरूम के कंपैरेटिवली, तो इसीलिए इसमें आपका ग्लास का पार्टीशन नहीं लगवाया। गीज़र हम आपको इंस्टॉल करके देंगे सारे वॉशरूम्स के अंदर, और जितनी भी फिटिंग्स रहने वाली है जगुआर की फिटिंग्स रहने वाली है दोस्तों। अब मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ, आफ्टर दैट हम आप किचन को कवर करेंगे, और पाउडर रूम में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसका मैं टेरेस भी आपको दिखाऊंगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए दोस्तों, अब हम आपको इसका बालकनी दिखा देते हैं और बाहर का व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा व्यू है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त व्यू मिलता है आपको, इसके सामने बिल्कुल ग्रीन बेल्ट है, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बनेगा सामने, अगर बालकनी में खड़े होगे तो आपको कुछ व्यू मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम दूसरे की बालकनी में झांक रहे हैं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस इसी चीज़ के हैं, इसी वजह से प्लॉट का रेट बढ़ जाता है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो लगभग सेम आती ही आती है, तो आपका जो फ्लैट का प्राइस है उसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका एलिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एलिवेशन आपको बना के दे रहे हैं, और ठीक इसके सामने पार्क है दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, और मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों, अब मैं आपको इसका किचन दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये गोल्डन लाइन्स वगैरह लगा के कितना ज़बरदस्त किचन लग रहा है, और छोटी छोटी लाइट्स भी आपको लगा के दे रहे हैं, डिज़ाइनर लाइट्स लगा के दे रहे हैं। आइए दोस्तों देखिए, किचन का लुक थोड़ा सा एंटीक है, आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये सब कितना अच्छा है, और इसके ऊपर सारा डीको पेंट करवाया हुआ है पूरे किचन के अंदर, आपको चिमनी इंस्टॉल करके दे रहे हैं, अगर आप बोलेंगे मुझे हॉब चाहिए हॉब भी दे देंगे इसके अंदर आपको। और देखिए किचन स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस है, ये हमारा पेंट्री है, देखिए पेंट्री, तो दोस्तों इसके अंदर आपको प्योरीफायर भी मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, ये अंडर द सिंक वाला वाटर प्यूरिफायर आपको लगा के दे रहा हूँ। और किचन हमारा बाहर की साइड है, इसके अंदर चिमनी है, उसके बाद भी आपको घुटन महसूस नहीं होगी, आप इसको ओपन कर सकते हैं, और जितनी भी ये लगी हुई है सारी साउंड प्रूफ लगी हुई है, फ्लैट के अंदर नॉइज़ नहीं आता है, आप देख सकते हैं अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर से प्लेन्स जा रही हैं एक दो, बट नॉइज़ नहीं आ रही है दोस्तों।
तो दोस्तों हमारे पास प्रॉपर्टी के ऑप्शंस ना बहुत अवेलेबल हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, आप जो भी चाहिए आपको सारी अवेलेबिलिटी है मेरे पास। ऐसा नहीं कि दोस्तों हमारे पास बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, द्वारका सेक्टर 8 में मैक्सिमम ऑप्शंस अपने पास है दोस्तों। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी चेकआउट कर रहे हैं द्वारका सेक्टर 8 में या 19 में या कहीं भी, एक बार मेरे पास ज़रूर आइए, मेरे पास से जाके फिर अदर जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके लायक सारे ऑप्शंस जितने हैं ना सब दिखा के ही भेजूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर आपके किसी परिवार में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर उनको फ्लैट की नीड है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको टेरेस दिखा रहा हूँ, ठीक टेरेस के सामने ये हमारा पार्क है। और दोस्तों इसके साथ आपको इस पर पूरा ग्रीन ग्रास आपको लगा के दे रहे हैं इस पर, और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन हमने किया हुआ है। अभी तो बिखरा पड़ा हुआ है, अभी कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, पर हाँ ये सारा कुछ आपको हम करवा के देंगे। जैसे ये झूले वगैरह, एक और झूले उधर लगे हुए हैं, ये सब हम आपको करके देंगे, लगवा के देंगे दोस्तों। तो अभी तो ये रूफ राइट्स वाला ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत ही लिमिटेड प्लॉट हैं इधर, 4-5 प्लॉट हैं जो कि पार्क फेसिंग है, मिलेंगे नहीं वैसे। और इसमें अभी टॉप फ्लोर अवेलेबल है, तो जल्दी से आइए इसको बुक कराइए। इसकी प्राइस देखने के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसका प्राइस डिटेल्स उसको देखना ना भूले दोस्तों। तो प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और दोस्तों पार्किंग वगैरह अभी आपको हम आपको दिखा देंगे।